नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो पे आज हम बात करेंगे जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा आपकी 17 अक्टूबर को हुई थी, क्या ये वाकई में परीक्षा आपकी रद्द होगी? अगर परीक्षा रद्द हो जाती तो दोबारा परीक्षा कब तक होगी, इस वीडियो पे हम बात करेंगे। क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर इसमें धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है और परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। कुछ लोग तो 100% दावे के साथ बता रहे हैं, तो इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि यहाँ पर 1504 सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक के 390 पदों पर भर्ती के लिए 17 अक्टूबर को परीक्षा हुई थी। यहाँ तक को सभी को पता है, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कितने लोग उपस्थित रहे, कितनी पालियों में हुए, ये भी आपका कोई मतलब का नहीं है। अब हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पर देखिए, बेटी के लिए पेपर लीक कराने में प्रिंसिपल गिरफ्तार, एडेड जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा में अपनी बेटी के लिए, अब यहाँ पर देख सकते हैं ना, अपनी बेटी के लिए पेपर लीक कराने के आरोप में प्रयागराज एक स्कूल प्रिंसिपल को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। वहीं आगरा से भी एक परीक्षा केंद्र में एक अभ्यर्थी के स्थान पर दूसरे व्यक्ति को परीक्षा देते पकड़ा गया। इसका मतलब यहां पर धांधली तो हुई है, एसटीएफ ने अगर गिरफ्तार किया है तो क्या अब ये परीक्षा क्या रद्द कर दी जाएगी? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि ये परीक्षा आपकी रद्द नहीं होगी। आप इसके बिल्कुल इस गलत फहमी मत रहिए कि परीक्षा रद्द होगी, दोबारा होगी, है ना। अब आप ये देखिए कि आपके नंबर कितने हैं, अभी आपके आंसर की जारी होने वाली है जल्दी, तो उस पर आप देखिए। बाकी आप इस पर दिमाग लेके, मतलब ये सोच के मत रहिएगा कि परीक्षा रद्द होगी दोबारा होगी, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है ना। क्योंकि विधानसभा चुनाव है और आप देख लीजिएगा कि आपकी परीक्षा रद्द नहीं होगी, ठीक है ना। हर एग्जाम में धांधली होती है, कहीं बड़े स्तर पर, छोटे स्तर पर, हर एग्जाम में होती है, ठीक है ना। तो सरकार इसमें जहाँ तक बिल्कुल मान लीजिए कि परीक्षा रद्द। अब यहाँ पर देखिए, 12 नवंबर को आपका ये परिणाम घोषित हो जाए। कुछ लोग कह रहे थे रिजल्ट कब तक आएगा, तो 12 नवंबर को देखिए फाइनली डेट बता दी गई है। इस भर्ती परीक्षा का जो परिणाम है 12 नवंबर घोषित किया जाएगा। 21 अक्टूबर तक उत्तरमाला, जो आंसर शीट है आपकी वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी, और 25 अक्टूबर तक साक्षियों के साथ ऑनलाइन आपत्ति लेंगी। देखिए, जो भी प्रश्न में आपके गलत थे, काफ़ी सारे प्रश्न उसमें गलत आए हैं, तो उनके जो आप आंसर हैं उनको आप मतलब वहाँ पे ऑनलाइन सबमिट करेंगे, बताना पड़ेगा। और इसके बाद 8 नवंबर तक आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। 10 नवंबर को एक संशोधित आंसर की फिर से वेबसाइट पर जारी की जाएगी। तो इस तरीके से बहुत ही जल्द आपका ये आंसर शीट और रिजल्ट आपका जारी हो जाएगा। तो दोस्तों, समझ गए होंगे आप, बिल्कुल इस वीडियो बनाने का यही मतलब था कि आप इस गलत फहमी मत रहिए कि परीक्षा रद्द होगी, ऐसा कुछ अभी होने वाला है नहीं, ठीक है ना। तो चलिए, इसके अलावा कोई और वगैरह सवाल हो तो पूछ सकते हैं कमेंट करके। वीडियो देखने दोस्तों, धन्यवाद।